रणबीर और दीपिका को आज भी याद है, एक साथ बिताई गई उनकी खास यादें। अब ये दोनों स्टार्स भले ही सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज भी इन दोनों स्टार्स को हर वो पल अच्छी तरह से याद है जो इन्होंने साथ में बिताया था। रिसेंटली एक इवेंट पर जब रणबीर से एक रिपोर्टर ने उनकी इन खास यादों के बारे में पूछ लिया तो कुछ ऐसा था उनका रिएक्शन। ऐसा ट्रिप को याद है जो मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया हूँ, बहुत ट्रिप्स याद है, बट मैं क्या करूँ, रणबीर इस सवाल के बाद पहले तो कुछ सोचने लगे, लेकिन बाद में ब्लश करते हुए इन खास यादों को शेयर करने से इनकार कर दिया। वहीं कल एक इवेंट पर जब दीपिका से पूछा गया कि रणबीर को तो आपके साथ बताए गए सारे पल याद है, इस पर आपका क्या कहना है? What made him say that? He has great memory power, that's all I can say. Or maybe very, very memorable moments, I think. Well, दीपिका ने पहले तो रणबीर की अच्छी मेमोरी की तारीफ की और फिर कबूल कर लिया कि वो यादें इतनी स्पेशल हैं ही कि रणबीर को वो सब कुछ याद है। साथ ही इस इवेंट पर जब दीपिका से बॉलीवुड के बेस्ट ड्रेस्ड और स्टाइलिश एक्टर के बारे में पूछा गया तो दीपी ने शर्माते हुए फिर अपने एक्स रणबीर कपूर का ही नाम दिया। I would have to say Ranbir. Well, कहते हैं ना, पहला प्यार तो हमेशा पहला ही होता है। अब भले ही ये दोनों लवर्स अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी इन दोनों स्टार्स के दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह है। दीपिका ने इस इवेंट पर अपने रिलेशनशिप से जुड़ी कोई पुरानी बात तो शेयर नहीं की, लेकिन हाँ, रणबीर के सीक्रेट को उन्होंने सबको बताया। He gets scared of a spider. I mean, if you're in a room and if there's a spider or a cockroach, be rest assured that everyone else will be running behind it to sort of shoo it away and Ranbir will be hiding under the bed. Moving on, इस इवेंट की बात करें तो दीपिका ने अपनी एक और दिल की बात यहाँ मीडिया के साथ शेयर की। I believe that we're both very romantic people, so I think it would be a love story. जी हाँ, मौका मिलने पर दीपिका बॉलीवुड दबंग सलमान खान के साथ एक रोमांटिक फिल्म करना चाहेंगी। We hope दीपिका, सलमान आपकी इस विश को सुन रहे होंगे। For चेतना सिंह, Zoom, Mumbai.